इसका मतलब बहुत प्यारा है कि आई फॉरगॉट रिलीजन, बेसिकली छाप इज इस्लाम एंड कितना इसको यूज एंड नन ऑफ दैट मैटर्स व्हेन यू वेल क्रिश्चियन यू पास विद दैट. सो आप इस्लाम का या रिलीजन हो जाता है. दैट्स दैट्स काइंड ऑफ अ लवली मैसेज. अच्छा वो सी ग्रुप की नो द लेट. एक्साइटेड है उसको विश करने के लिए. हम तो मतलब आए हैं सिर्फ और अंदर जाने के लिए बस. हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं. एक्चुअली मैं अवनीत को रोहन के थ्रू जानती हूँ बिकॉज दे डिड अ म्यूजिक एल्बम टुगेदर एंड आई मस्ट से आई ऑलवेज टेल दिस टू रोहन दैट शी इज माय फेवरेट. बहुत ही स्वीट है, बहुत हंबल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही क्यूट. शी इज सो टैलेंटेड.
नीत की बर्थडे पे हमें आना पड़ा। गाना लॉन्च हुआ था तरसेन है ना, वो काफ़ी बड़ा हिट था, तो उसकी सक्सेस पार्टी पे हमने बहुत एंजॉय किया था, तो वो एक मेमोरी याद आ रही है अभी तो, और आज बहुत सारी मेमोरीज बनेंगी। अवनीत के साथ मैं अवनीत से तब मिली थी जब इनका सॉन्ग लॉन्च था, एंड शी वाज वेरी स्वीट एंड शी वाज वेरी कॉर्डियल एंड शी इज वेरी क्यूट, सो या आई कांट वेट टू सी हर नाउ। हम बड़ा ही कुछ करेंगे, चल रही है तैयारियाँ, चल रही है, बहुत कुछ आने वाला है, और लेट्स सी गिफ्ट। तो देखो सरप्राइज देने में मजा है ना, वो सरप्राइज रिवील नहीं करने चाहिए, तो बस आई थिंक ऑडियंस को भी वेट करना चाहिए थोड़ा सा। थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग तो मुझे रोक के रखा है, बट आई वांट टू गो एंड डांस नाउ। अवनीत के बारे में यही कहना चाहूँगी, अवनीत कौर कॉस्ट्यूम कौर की तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड कीप ग्रोइंग द वे यू ऑलरेडी आर, यू आर 18 यू आर एन एडल्ट, लड़की जवान हो गई है यार, सो ऑल द बेस्ट फॉर एडल्टहुड एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप गोइंग लव एंड लॉट्स ऑफ लव एंड विशेस। हाँ गिफ्ट है उसके लिए, आई गेस गर्ली गिफ्ट है, आई फील मुझे भी अगर कोई देता मुझे बहुत खुशी होती, तो वैसे ही कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ, क्या है मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन समथिंग दैट शी वुड लाइक एंड शी वुड बी एबल टू यूज। अवनीत के साथ में आई रिमेंबर वी हैड गॉन टू अ पार्टी, आई गेस किसी मीडिया की पार्टी थी, एंड उधर एक्चुअली वी वी डिडंट हैव कंपनी, तो हम एक दूसरे की कंपनी बन गए थे, एंड आई गेस दैट्स व्हेन वी एक्चुअली गॉट रियली क्लोज एंड स्टार्टेड टॉकिंग एंड स्टफ, तो उस टाइम से हमारा रिलेशन काफी अच्छा हो गया था, एंड आई एंड रामजी सर इज हियर, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू ऑल गुड, रियली लकी, रियली फील रियली ब्लेस्ड पटियाला में इसको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, ऑडियंस को ना सिर्फ प्यार दे रही है लेकिन एक मैसेज भी जा रहा है ऑडियंस की तरफ, और ये काफ़ी खुश होने वाली बात है मेरे लिए कि ऑडियंस इस शो के माध्यम से कुछ सीख भी रही है, कुछ लर्न भी कर रही है, उनके स्टीरियोटाइप्स में कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं जो कि नेसेसरी है एक मॉडर्न सोसाइटी के लिए, जैसे सेकेंड मैरिज को लेकर, डिवोर्स को लेकर, एक बड़ी बच्ची के साथ री मैरिज करना, यू नो हैविंग अ सेकेंड फादर, स्टेप फादर, लेकिन वो एक्चुअली स्टेप फादर है नहीं, हनुमान अंकल है, फादर नहीं बुलाती है, बट दे स्टिल हैव अ रियली गुड इक्वेशन एंड दे आर ट्राइंग टू बैलेंस इट ऑल। फैंस की रिएक्शन मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ, अगर आपने कभी मेरा इंस्टाग्राम या ट्विटर देखा होगा, ट्विटर पे आई ऑल्सो ट्राई टू कीप रिप्लाइंग ऑल माई फैंस, क्योंकि उधर मैच्योर लोग ज़्यादा हैं, इंस्टाग्राम पे आई कीप रिप्लाइंग माई यूथ फैन बेस, एंड इट्स रियली ग्रेट, जो कि सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, काफ़ी लोग अपनी खुद की लाइफ से रिलेट कर पाते हैं उस स्टोरी को, तो वो मैसेजेस पढ़ के मैं कभी कभार इमोशनल भी हो जाती हूँ कि यार सच में इनके साथ ऐसा हुआ है, और हम यू नो अपने शो से उनकी एक तरह से स्टोरी डिपिक्ट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी कनेक्ट कर जाते हैं, एंड उनकी स्टोरी सुन के मैं भी काफ़ी इमोशनल। यार मैं तो सबसे छोटी हूँ ग्रुप में, सो आई कांट एक्चुअली गिव हर एन एडवाइस, बट यस एडल्ट हो गए हो, सो ऑल द बेस्ट, संभल के रहना बेटा, एंड जस्ट कीप गोइंग द वे यू आर, बी द बिंदास गर्ल यू आर, लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी बर्थडे अवनीत। थैंक यू सो मच, शो को इतना प्यार मिल रहा है भी नम
पीपल आप लोग इतना इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं, बस ऐसे ही देते रहिए और शो हिट चलता रहे। सारी पॉजिटिव है, स्पेशली बिकॉज ये फिक्शन और नॉन फिक्शन है तो बहुत मजा आने वाला है। और अभी स्पेशली ग्रैंड प्रीमियर होने वाला है डांसर नंबर वन का, तो जरूर देखिएगा। थैंक यू फैंस को, यही आई लव यू ऑल सो मच, शो को प्यार देते रहिए, मैं आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और बस रामलीला कमेटी मूंगफली वाले का तहे भाई। आपके साथ
बट हम celebration. A lot of people came and we had a nice celebration, like a little get together, mostly family. And then in the morning I was shooting for Aladdin for quite a while. और उसके बाद मैं आराम से घर गई क्योंकि मेरे पूरे बालों में केक लग चुका था. मैंने अच्छे से नहाया and then I got ready and I came here. That's it. First of all, many many happy returns of the day on me. May God bless you with lots of success, happiness and luck. और बात करें आज शाम की, तो आज की शाम तो बहुत ही खास है. अमनीत का बर्थडे है, 18 इयर्स की हो गई अमनीत. और भी बहुत सारे रीजंस है, 7 मिलियन हो चुके हैं इंस्टा पे. और म्यूज़िक एल्बम भी आया अभी और कल अवार्ड भी मिला है अमनीत को, गोल्ड अवार्ड्स. तो बहुत ही खुशी का दिन है आज तो. हाँ, अमनीत के साथ तो मैंने बहुत सालों पहले एक शो किया था, लाइफ ओके पे किया था. यस, तो हम सब, हाँ मेरी माँ, करेक्ट. तो उसमें मैं इसका भाई बना था. तो काफ़ी सारी मेमोरीज है जब हम छोटे थे, लाइक वैनिटी में मस्ती मजाक होती थी हमारी. आई नो ही यूज्ड टू बी लाइक दिस, ही इज लॉस्ट अ लॉट एंड या यू. यस, अमनीत की मॉम के साथ भी हम बहुत ही मस्ती करते थे, अभिजीत के साथ भी बहुत मस्ती करते थे, थप्पड़ वप्पड़ मारते थे, एक दूसरे को डराते थे, प्रैंक करते थे. बहुत मजा आता, इट वाज एन अमेजिंग शो. फर्स्ट केक किसका था और कब काटा? फर्स्ट केक, अरे मुझे याद नहीं, आई गेस कोई तो फैन लेके आए थे मेरे लिए सेट पे. और अब तो मतलब मेरे को लग रहा है मैं पता नहीं 20-25 केक काट चुकी हूँ आराम से. मैंने इसकी स्टोरीज देखी है, बहुत ही केक, इसने बहुत ही शुगर खाया है आज, बहुत बरबर से खा रही है केक ही खा रही है. बहुत देखो निकल भी है शुगर. टिकटॉक, ऑब्वियसली टिकटॉक इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन शोकेस योर टैलेंट एंड एवरीबॉडी गेट्स अ चांस ओवर देयर. एंड या मतलब उससे पहले भी आई वॉज एन एक्ट्रेस एंड उसके बाद भी आई एम स्टिल एन एक्ट्रेस एंड एन इन्फ्लुएंसर. बट आई एम सो हैप्पी फॉर हर की द वे शी इज़ वर्किंग. म्यूजिक एल्बम्स आ रहे हैं और फैन फॉलोइंग कितनी बढ़ रही है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं अलादीन में भी. थैंक यू यार. तो बहुत ही खुश हूँ अमनीत के लिए. फैंस आर वॉट आई एम राइट नाउ बेसिकली. इफ आई एम स्टैंडिंग हियर जस्ट बिकॉज ऑफ देम, सो आई ओल्ड ऑल टू देम. एंड वो ही है जिन्होंने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ. वो नहीं सपोर्ट देंगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ. आज हम जो कुछ भी है हमारे फैंस की वजह से ही, हमारे व्यूअर्स की वजह से ही है. हमें भी शो, हमारे शो को भी 11 साल इतना प्यार दिया लोगों ने और ऐसे ही हमारा शो भी चलता आ रहा है, लोगों को हंसाता आ रहा है. तो बस फैंस की वजह से ही हम यहाँ पर हैं. तो जितने भी हमारे फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, उनको थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया. और बस हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि हम आपको ऐसे ही सालों साल हंसाते रहें. फिल्म की बात करें तो इसी ईयर आ रही है कुछ, तो मैं बनाऊंगी नहीं ज्यादा. खिचड़ी पक रही है कुछ, देखते हैं अभी, आई डोंट नो येट. एक्चुअली मैं नहीं ज़्यादा बता सकती हूँ, बट इतना बताऊँगी जब आपको पता चलेगा उस प्रोजेक्ट के बारे में, यू गाइज विल लव इट. यस, और जो कुछ भी होगा लेकिन धमाकेदार ही होगा. आई होप, आई होप. नहीं यार, एक भी मैंने आपको एक नाम बता दिया ना, यू गाइज विल गेस इट लाइक दिस, आई नो, सो आई कांट टेल एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ. थैंक यू, थैंक यू. अमनीत बहुत अच्छी लड़की है, बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत क्यूट है और सही है, बहुत अच्छा काम कर रही है. सही है. नहीं नहीं नहीं, सही है, सही है. तू इधर आ, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड कृपा लगानी. हाय कृपा. हाय, सही नहीं बोल रहा. व्हाट डू यू हैव टू से? व्हाट डू यू हैव टू से? आई हैव टू से नथिंग, शी इज क्रेजी बट शी इज ऑलवेज माय बेस्ट. What is I have to love her? She's the best. She's so hard working. Yeah. I love her. Better. I like that. Yeah, I like that. हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है.
दोस्ती है. Yes. Like we are sisters. Yeah. That's true. Same. Sisters. No, I know her for a really long time. We shot for a music something, some dance shit we did long ago. Yeah, long. And that's when we met, and then after a few years we met again, and we've been in good terms ever since. So, yeah. Yeah. I just hope she has a good day and a good life. Now that she's 18, she has to be more responsible. Oh yeah. She can't be the kiddish Avneet that she is. I used to. She be needs that. To grow I don't up. Know that Avneet anymore. बहुत कौन सा वाला है अब ऐसा पूछना पड़ेगा या एग्जैक्टली अब तो नया आ रहा है लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन आई होप इट्स अ रियली गुड वन लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फैंस एंड द फ्रेंड्स ग्रेट मेरे को तो सब गाने बहुत पसंद है आई जस्ट लव हर वर्क शी इज अमेजिंग मुझे मेरा जो भी है उसको पसंद है अच्छा नया सॉन्ग एक्चुअली अभी हम लोगों ने ऑडियो रिलीज़ किया है निक के साथ मेरा नया गाना आ रहा है जिसका नाम है तेरी नार और बहुत ही जल्द आएगा वो सो प्लीज़ गाइज प्यार दीजिए सपोर्ट कीजिए एंड यू गाइज आर ऑलरेडी लविंग दी ऑडियो सो मच आई कांट वेट टू शूट द वीडियो ही इज़ टॉकिंग अबाउट द वन विद बॉन्ड रोज अटैचमेंट ओके सो अबाउट अटैचमेंट आई कांट से एनीथिंग येट बिकॉज रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है बट होपफुली आज मेरा बर्थडे सो आज फाइनल हो जाए आई होप and that we give you guys a surprise very soon acha aapne bada dikha bade gift aa rahe hain nahi nahi aisa kuch nahi hai mujhe gift bahut pasand hai exactly I was about to say she is clearly lying yaadi main leke jaati hu jab birthday party hai chocolate she just gets that is clearly seen she is the gujarati girl so are you a gujarati boy yeah I am very proudly okay let's play garba then abhi let's go नहीं बता सकते सीक्रेट है व्हाट सीक्रेट है सब क्या है व्हाट इज दैट सीक्रेट है व्हाट इज दैट सीक्रेट है ओके बाय बाय ऑलराइट सी गाइस